तमाम अटकलों के बाद अब ये फाइनल हो गया है कि 28 अगस्त को सुपरटेक के ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके लिए लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा से लेकर इक्विपमेंट तक नोएडा पहुंच चुके हैं। तमाम तरह की एनओसी हासिल कर ली गई है और बिल्डिंग्स को गिराने का काउंटडाउन भी अब शुरू हो गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि बहुमंजिला बिल्डिंग्स को गिराने में कितने विस्फोटक लगेंगे और कितने समय में ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। जानकारों की माने तो इस बिल्डिंग को गिराने में लगभग 9 सेकंड का समय लगेगा। इसके लिए खासकर ट्रेंड प्रोफेशनल्स को बुलाया गया है जो ब्लास्ट से पहले बिल्डिंग को सही से मुआयना करेंगे और फाइनल कॉल लेंगे। बिल्डिंग को सही ढंग से जमींदोज करने के लिए 10वें फ्लोर पर भारी मात्रा में बारूद लगाया जाएगा और इसके साथ बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सिक्स फ्लोर, 10वें फ्लोर, 14वें फ्लोर, 18वें फ्लोर, 22वें फ्लोर, 26वें फ्लोर, 30वें फ्लोर पर भी बारूद लगाया जाएगा, जिसमें एक साथ एक समय पर ब्लास्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए लगभग 3700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को मिली है। इन दोनों ट्विन टावर को गिराने की जिम्मेदारी मुंबई बेस्ड कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को दी गई है। जानकारी के मुताबिक एडिफिस इंजीनियरिंग अपने सहयोगी कंपनी जेट डिमोलिशंस के साथ मिलकर इस बिल्डिंग को जमींदोज करेगी। जेट डिमोलिशंस अफ्रीकन बेस्ड कंपनी है और दुनिया के कई देशों में उन्होंने बिल्डिंगों को गिराया है। वहीं अगर एडिफिस इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कंपनी पहले केरल के मराडू में अवैध रिहायशी इमारतों, तेलंगाना के सचिवालय और केंद्रीय कारागार और गुजरात में पुराना मोटेरा स्टेडियम ध्वस्त करने का जिम्मा उठा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस डिमोलिशंस में 900 ट्रक मलबा निकलेगा। हालांकि पूरा मलबा बेकार नहीं जाएगा, इसमें से तकरीबन 4000 टन लोहा और इस्पात निकलेगा जिसका इस्तेमाल एडिफिस ध्वस्तीकरण की लागत वसूलने के तौर पर करेगी। नोएडा से भूपेन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।